हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां मॉड ऑफ बीटा यानी इसे मापांक जो बीटा की जो वैल्यू है 1 है, तब मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा पे बार इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा इसमें वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि अल्फा की वैल्यू जो है ए प्लस आई बी है और बीटा की जो वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई है। क्योंकि कह रहा है सम्मिश्र संख्या है, तो उसके फॉर्म में ही हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए, जब आप अल्फा मान रहे हैं ए प्लस आई बी है, तो इसलिए अल्फा पे बार मतलब इसी का कंजुगेट यानी संयुग्मी होता है। तो जब ए माइनस आई बी है तो उसका संयुग्मी क्या होगा, ए प्लस आई बी का ए माइनस क्या हो जाएगा, आई बी। और क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि जो मापांक ऑफ बीटा मॉड ऑफ बी मतलब बी का मापांक 1 है, तो आप जानते हैं मापांक क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है उसके रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, वो भी किस में होता है, अंडर रूट में। तो बीटा है एक्स प्लस आई वाई, तो इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जो मापांक निकालते हैं वो सम्मिश्र संख्या के अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी, तो रियल पार्ट एक्स है इमेजिनरी पार्ट वाई है। अब इन दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी वैल्यू का यूज हम क्या करने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। तो आगे क्या करेंगे, हम अब लिखेंगे नाउ, आपको वैल्यू जो निकालना है उसे यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमें वैल्यू फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा पे बार है इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू एक एक करके हमें क्या करनी है, इसमें रखनी है। तो बीटा की जो वैल्यू हमने रखा है वो क्या है आपका, एक्स प्लस आई वाई, और अल्फा की जो वैल्यू है ए प्लस आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा बार की वैल्यू, चूंकि अल्फा ए प्लस आई बी है, तो अल्फा बार हमने क्या निकाला था, ए माइनस आई बी, और इंटू बीटा की जो वैल्यू है एक्स प्लस आई वाई, और ये पूरे का मापांक। मापांक का मतलब भी इसे जब सम्मिश्र संख्या हम बदल लेंगे तो रियल पार्ट का वर्ग और प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग के फॉर्म में निकालेंगे इसे। तो ये होगा एक्स प्लस आई वाई और माइनस ए, और देखिए माइनस ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आई बी। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी ऐसे रहने दे सकते हैं, लेकिन आगे फिर हमें ब्रैकेट को तोड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। 1 माइनस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए का एक्स में हो जाएगा ए एक्स, ए का आई वाई में करेंगे तो हो जाएगा ए आई वाई, या ए वाई के बाद आई लिख सकते हैं या आई ए वाई लिख सकते हैं, और माइनस आई बी का एक्स में गुणा करेंगे तो आई को पहले लिख दीजिए आई बी एक्स। सेम इसी प्रकार से माइनस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और आई का आई में जब मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर और बी वाई। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान से देखना, एक बार और समझ लेंगे, ए का एक्स में गुणा किए ए एक्स, और ए का आई वाई में किए ए आई वाई, या आई ए वाई भी लिख सकते हैं। माइनस आई बी का एक्स में किए हैं तो माइनस आई बी एक्स हो गया है, माइनस का प्लस में करेंगे गुणा तो माइनस, और आई का आई में हुआ आई स्क्वायर बी वाई। ठीक है, अब इसको तोड़ लेते हैं। ऊपर देखिए, ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है इसको एक पास कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक पास हो गया, आई वाई आई बी, तो इन दोनों में हम आई जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा, बी। ध्यान से समझेंगे, एक्स प्लस ए रियल पार्ट है, इन दोनों में आई था तो वाई और बी को एक पास किए, आई कॉमन हो गया। ठीक है, नीचे ब्रैकेट जब ओपन आप करोगे, जिस प्रकार से ऊपर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए हैं, वैसे ही सेम आपको हर में भी कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस है तो हो जाएगा माइनस ए आई वाई, चूंकि पहले माइनस इसलिए अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस आई बी एक्स, और ध्यान दें आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस ए माइनस हो जाएगा +1। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है -1 होता है, तो उस आई स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले माइनस है तो ये फाइनली किस में आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी वाई। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे
एक्स माइनस ए प्लस आई वाई माइनस बी अपॉन में, देखिए आई ए एक्स और बी वाई ये एक साथ हो जाएगा वन माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई, ये आपके क्या हो गए रियल पार्ट हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए आई वाई है और आई बी एक्स है, तो इस यहाँ पे ए आई वाई और आई बी वाई था, तो दोनों में जब आई की तो बी एक्स को पहले, तो प्लस आई बी एक्स और माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं और जो मॉड है एक बार न्यूमिनेटर के साथ ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर इस तरीके से मॉड ऑफ जेड वन और जेड टू है तो हम आसानी से ऐसे मॉड ऑफ जेड वन अलग और मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं जेड टू अलग लिख सकते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ अंश वाले को अलग लिख लिया गया, हर वाले को अलग। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं यानी वास्तविक भाग का और प्लस काल्पनिक भाग का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट आपका क्या है x माइनस ए, एक्स माइनस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस ये मतलब वास्तविक भाग है और i के साथ जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं काल्पनिक भाग, तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही काम आपका मतलब यही सेम चीज़ क्या करना है डिनोमिनेटर में, तो ये रियल पार्ट है यानी 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर और प्लस काल्पनिक भाग क्या है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को इत्मीनान से लगाएंगे तो गलती नहीं होगी, थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है, तो एग्जाम में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। अब इसे तोड़िए, अंडर रूट में ही हम इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा टू ए एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा टू बी वाई। आसानी से आराम से एकदम तोड़ते रहेंगे इसे, और नीचे वाला थोड़ा बड़ा है, डरने की इसमें भी जरूरत नहीं है। देखिए एक दो तीन टर्म है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होगा प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होता है माइनस टू ए बी, तो हो जाएगा टू ए एक्स टू ए बी, ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू ए मतलब ए एक्स है प्लस टू बी सी, तो टू तो फार्मूले से आया बी सी, तो ए का बी में करेंगे ए हो जाएगा ए बी और एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी और माइनस टू सी ए, तो टू सी ए तो माइनस टू बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको तोड़ देते हैं बी एक्स माइनस ए वाई, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस में मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो टू बी का ए में करेंगे यानी टू ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा, ठीक है टू ए बी एक्स वाई। तो ये देखिए ये प्लस था और ये माइनस था, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पास हो गया, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और माइनस का क्या बचा है टू बी वाई। डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हम भी ट्राई करेंगे मतलब फैक्टर कॉमन करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पास आ जाए, क्यों क्योंकि हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पिछले पेज पे निकाले थे और वो क्या आया था उसकी वैल्यू वन आया हुआ था, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, फिर नीचे लिखते हैं ये अंडर रूट का साइन बना लेंगे, ये अंडर रूट है ध्यान देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर आप देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। इसी प्रकार से बी स्क्वायर वाई है क्या है सॉरी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें से भी जब आप बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा वाई स्क्वायर। एक बार और समझते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए कॉमन करेंगे इन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
चूंकि बच्चे का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो प्लस है, तो पहले बात कैसे भी लिख सकते हैं। अब जो बचा हुआ है लिख लीजिए, क्या बचा है आपका, माइनस टू ए एक्स और माइनस का टू बी वाई, क्योंकि ये और फिर ये दोनों भी क्या हो गया है, सॉल्व कर लिया गया है। अब लिख लेंगे, हमने पीछे लिख लेंगे समीकरण एक से, कहाँ से, समीकरण एक से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला है, वन निकाला है। तो यही वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका वन प्लस, और ये नीचे वन आपका छूटा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का वन, ये प्लस वन तो छूटा हुआ है, ये तो यूज हम किए नहीं थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई। और डिनोमिनेटर में ध्यान से अगर आप देखें तो वो सेम चीज डिनोमिनेटर में बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू वन है, वन में ए स्क्वायर का गुणा करेंगे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू वन है, ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू बी वाई, ये दोनों सेम है, पूरा कट जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, यानी मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, यही तो निकालना था, अपान वन माइनस अल्फा पे बार इंटू बीटा पे बार की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।